इसराइल क्यों जाना चाहते हैं, मतलब वजह क्या है? तब तो ये पैसा चाहिए जाता है, हम भी जा रहे हैं। बहुत दूर है, हालात भी सही नहीं है। अब हालात सही हो या नहीं, लेकिन पैसा के लिए जा रहे हैं। हम ट्रेड यूनियन भारत सरकार के निर्णय का पूरा विरोध कर रही हैं, जो उन्होंने फैसला लिया कि हिंदुस्तान से लगभग 40,000 के करीब मजदूरों को इसराइल भेजा जाएगा और ये वहाँ के पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस करके भेजा जा रहा है। यहाँ कितना कमा लेते हो? यहाँ बस 10,000-12,000। वहाँ कितना मिलेगा? इसीलिए जाना चाहते हो? और वार टॉर्न एरिया है, वो कन्फ्लिक्ट एरिया है इसराइल और पैलेस्टाइन की, जिस जो इस वक्त हम स्थिति को जानते हैं। और केवल अब वार टॉर्न ही नहीं है, इसराइल की हकूमत गाजा पट्टी के ऊपर पूरी पैलेस्टीनियंस को तबाही और एनहिलेट करने के रास्ते पे निकली हुई है। क्या करते हैं मोहित आप, क्या क्वालिफिकेशन पहले अपने बारे में बताइए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और पीएचडी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि सरकार का हाल देख ही रहे हैं, 4,00,000 पोस्ट खाली है रेलवे की, लेकिन 6,000 दे के लॉलीपॉप चुसाने का काम कर रही है सरकार। तो ऐसे ही हम जो है उसे मजदूरी कर ले, इसी बहाने से हम यहाँ आए थे कि भाई चलो इसराइल चलेंगे। और जो है लेबर कोर्ट में हमारा रजिस्ट्रेशन है, मैं बढ़िया काम करता हूँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कारपेंटर। तो ये जेनोसाइड है, अपार्थाइड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार का ये निर्णय वर्कर्स को गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करके उस सियासत को आगे बढ़ाना, जो सियासत दुनिया की जो सोच है उसके विरुद्ध है। यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास किया, तुरंत सीज फायर होना चाहिए, और इसराइल की गवर्नमेंट कह रही हम तो साल भर अभी खत्म नहीं करेंगे युद्ध को। कारण यह है कि भूख से मरने से अच्छा है तो कोई मरेगा, कोई भोजन करेगा, वही अच्छा लगता है। ऐसा कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा सर, यहाँ पर भूख से तो मरना उचित नहीं रहेगा ना। सम्मान आप समझते हैं, 10,000 रुपये में एक सम्मान जनक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये आटे का रेट जो है 35 रुपये से 40 रुपये प्रति किलो होता है, हो रहा है। सब्जी लेने जाओ, सब्जी नहीं आप खरीद सकते, तो आप यहाँ पर 10,000 से 15,000 के बीच में आप जो है कहीं पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, क्या उसमें आप भरण पोषण कर सकते हैं? तो उस सिचुएशन के अंदर ये निर्णय एक राजनीति से प्रेरित है और बिल्कुल ही गलत निर्णय है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम घर नहीं जाएंगे सर, आज यहीं पे बैठे हैं सर, कल को भी अगर हमारा इंटरव्यू नहीं होगा हम कल भी नहीं जाएंगे। हमें इसराइल जाना है सर, हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बहुत है सर। हम घर यहाँ पे इंडिया में रहकर सर हम अपने घर का पता नहीं सर, मैं अपने फैमिली में सर सबसे बड़ा हूँ सर, मेरे पापा की आँख खराब है सर, तो वो सर हम पता नहीं कैसे कैसे घर चला रहे हैं सर। ये हमारे जीवन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसराइल जाएंगे और 1,37,000 रुपये हम कमा पाएंगे सर। इसराइल का हालात हम लोगों को मालूम है, वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन जब सरकार भेज रही है हम लोगों को तो सरकार हमारी सुरक्षा दे रही है, इस वजह से हम लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार भेज रही है तो सरकार हमारी जिम्मेदारी उठाएगी, बस इस वजह से। और वहाँ वेतन अच्छा मिल रहा है। कितना वेतन मिल रहा है? वेतन लगभग मंथली सर वहाँ का है 1,37,000। हमें मालूम है कि 7 अक्टूबर को जब कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई तो उस टाइम में हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को और वहां काम करने वालों को 13,000 के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया भारत की सरकार ने। तो अब जब हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, वहां 30,000 से ज़्यादा लोग गाजा पट्टी पे मार दिए गए हैं और कभी भी रिटेलिएशन भी हो सकती है उस साइड से, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे में ये कौन सी नीति है कि आप मजदूरों को मरने के लिए वहाँ भेजना चाहते हैं? वहाँ जाने की वजह क्या है, मतलब इसराइल पैसा ज्यादा मिल रहा है इसी वजह से जा रहे हैं। अगर उतना पैसा उससे कम पैसा यहाँ मिले तो? उससे कम मिलेगा तो खर्चा ही नहीं चलेगा हमारे घर का या परिवार का। कितने लोग परिवार में? परिवार में कुल 5 सदस्य, 3 भाई, माता पिता। क्योंकि यहाँ की जो है समान आय संहिता यहाँ पर लागू ही नहीं है, क्योंकि यदि मैं कहीं पर जॉब भी करूंगा प्राइवेट में तो मेरे को 20-25-30 हज़ार रुपये हाईएस्ट भी मिल पाएंगे। और इसराइल से एक ऑफर आया था कि यहाँ पर 1,37,000 रुपये के आसपास जो है हमको एक सैलरी प्राप्त होगी, जिसमें भोजन हमारा रहेगा, लेकिन हमको लगता था कि काटा बेटा करके सब कुछ होकर के 1,00,000 रुपये हमको बच जाएंगे। तो यहाँ का सबको छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर के हम सोचते थे कि यहाँ से इसराइल की ओर चले जाएंगे, जैसा कि सरकार ने उचित समझा, तो हम तो उनका जो सहयोग कर रहे थे। श्रम विभाग के हमारे जो है कैबिनेट मंत्री जी उनका आदेश था कि हम उत्तर प्रदेश से 10,000 की वैकेंसी यहाँ से निकालेंगे और भेजेंगे, पारदर्शिता रहेगी, हम यहीं पर पहुंचे सर, इसी उद्देश्य से पहुंचे।
ये कहना कि मजदूर तो जाना चाहते हैं, असलियत क्या है? उन मजदूरों से रोहतक में, यूपी में बात कीजिए जो आए वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कि आप वार टॉर्न एरिया में क्यों जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ रोज मर रहे हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो रोज रोज मरने से तो अच्छा हम एक बार जाके मर जाएं। घर वाले मतलब तैयार हैं कि उतने दूर भेजने के लिए? जी घर वाले तो नहीं तैयार होते हैं। मनरेगा का 180 रुपए प्रतिदिन का है, 180 रुपए प्रतिदिन में आप भोजन कर लेंगे क्या? आपके मान लिया दो बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आप गवर्नमेंट व्यवस्था में आप जाइए, केंद्रीय विद्यालय की जो फीस है 500 रुपए प्रति माह की है बच्चे की, तो उसका मायने क्या है? हिंदुस्तान की सरकार फेल हो गई रोजगार देने में, और अब कुछ रोजगार हम दे रहे हैं ये गिनाने के लिए हमारे मजदूरों को मरने के लिए वहाँ भेजा जाएगा। सैलरी मैटर करता है क्योंकि सर हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोगों के यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हम लोग परिवार को चलाने के लिए हमारे माता पिता बाल बच्चे भाई के हैं सब परिवार, सब भी परिवार है, तो चलाने के लिए चाहिए ना रोजी। और ये कौन सी रणनीति है कि एक हुकूमत पूरी दुनिया की शांति बनाने की अपील को ठुकरा रही है और अपार्थाइड और जिनोसाइड कर रही है, और हम उस हुकूमत के कहने से उनके एग्रीमेंट पे अपने वर्कर्स को भेजे? कितने लोग आए हैं अयोध्या से? 31 लोग आए। कहाँ से? अयोध्या से। अच्छा, किसी को भी वो नहीं मिला है? जी नहीं, फार्म नहीं मिला, अंदर टेस्ट नहीं दे पाए। इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत गलत रणनीति है सरकार की, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। वहाँ के हालात के बारे में पता है, कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कुछ होगा तो क्या हम लोग करेंगे? जो होगा सो देखा जाएगा।